नमस्कार, अंग्रेजी सीखने के इस जर्नी में दोबारा आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आइदर और नाइदर के बारे में जानेंगे। आइदर को इधर भी कहा जाता है और नाइदर को निधर भी कहा जाता है। दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इधर यानी कि आइदर से। आपने कई बार सुना होगा कि या तो मैं स्कूल जाऊंगा या इंस्टीट्यूट जाऊंगा, या तो मैं किताब पढ़ूंगा या मैं खेलने जाऊंगा, यानी कि ऐसे सेंटेंस जहां पर हम कहते हैं या तो मैं ये करूंगा या तो मैं वो करूंगा। जब हम दो में से कुछ क्रिया करने वाले हो, दो में से कुछ एक काम को करने वाले हो, तब हम आइदर का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। या तो मैं खुद आऊंगा या किसी को भेज दूंगा। Either I will come myself or I will send someone. आप इस सेंटेंस को इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे I will का प्रयोग दो बार हुआ है। Either I will come or send someone. तो इस प्रकार या तो मैं खुद आऊँगा या किसी को भेज दूँगा, ऐसा हम कहते हैं। या तो उसने मुझे देखा ही नहीं या उसने मुझे इग्नोर कर दिया। Either she don't see me or ignored me. या तो किराया दे दो या मकान खाली कर दो। Either pay rent or vacate the house. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। या तो उस कमरे में पंकज है या राजू। Either पंकज और राजू is in that room. यहाँ पे आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है ये अगर आपको दिक्कत हो तो वाक्य का पिछला हिस्सा आप देख लीजिए। राजू इज़ इन दैट रूम, यानी कि दो में से कोई एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे इज़ का उपयोग करेंगे ना कि आर का। या तो राजू या तो तुम झूठ बोल रहे हो। आइदर राजू और यू आर लाइंग। आइदर का दूसरा उपयोग देखते हैं। जब भी आपके पास दो ऑप्शन हो यानी कि दो बातें हो, उसमें से किसी एक को चुनना हो, तब भी आप आइदर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी मॉल में गए और आपको वॉशरूम जाना है। आप जैसे ही वॉशरूम गए तो वहाँ पे दो वॉशरूम थे, आपको पता नहीं कौन सा जेंट्स का है और कौन सा लेडीज़ का। तभी कोई आकर आपको बताता है कि आप दो में से किसी भी वॉशरूम को यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ आइदर वॉशरूम। उसी प्रकार अगर आप कोई घड़ी लेने गए हो और आपके सामने दो अच्छी घड़ी है और आपका दोस्त आपको कहता है कि इन दो में से कोई भी एक को पसंद कर लो, चूज़ आइदर वॉच, यानी कि इस दो में से कोई भी पसंद कर लो। मान लीजिए कि आप मूवी देखने गए और वहाँ पर दो मूवी लगी हुई है, दोनों बहुत ही अच्छी है, और आपके साथ जो है वो आपसे कहता है कि हम दो में से कोई भी मूवी देख सकते हैं, तो वो इंग्लिश में कहेगा वी कैन वॉच आइदर मूवी, यानी कि हम दो में से किसी भी मूवी को देख सकते हैं। तो ये था आइदर या इधर का दूसरा उपयोग। तो ये थे आइदर के उपयोग। वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं नाइदर नॉर के बारे में। जिस प्रकार आइदर के साथ और का उपयोग होता है, उसी प्रकार नाइदर के साथ नॉर का उपयोग होता है। आइदर का बिल्कुल विपरीत है नेदर, यानी कि नाइदर। यहाँ पे आइदर के आगे हमने सिर्फ एन लगा दिया है, इसीलिए ये इसका नेगेटिव बन जाता है। उसका मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, neither this nor that, दो में से एक भी नहीं।
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ना मैं गीत गा सकता हूँ और ना ही डांस कर सकता हूँ, नाइदर आई कैन सिंग नॉर आई कैन डांस। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, नाइदर आई कैन सिंग नॉर डांस, ना मैं तुमसे मिलूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी, आई विल नाइदर मीट यू नॉर टॉक टू यू, ना ये शर्ट मुझे पसंद है और ना ही ये मुझे फिट आती है, नाइदर आई लाइक दिस शर्ट नॉर इट फिट्स मी, ना तो टीचर क्लास में था और ना तो स्टूडेंट, नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट वेयर इन द क्लासरूम। तो इस प्रकार जब दो में से कुछ भी नहीं करना हो तब हम नाइदर नॉर का उपयोग करते हैं। अब हम नाइदर का दूसरा उपयोग देखते हैं, जब दो में से कोई भी नहीं ऐसा हमें कहना हो तब भी हम नाइदर का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि क्रिकेट मैच चल रहा है और दोनों बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं वो फॉर्म में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि दो में से कोई भी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी फॉर्म में नहीं है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे नाइदर बैट्समैन इज इन फॉर्म। जब आप पेन से लिखने जाते हैं तो आपके सामने दो पेन पड़ी है लेकिन दोनों पेन है वो बंद है, किसी में साई नहीं है, कोई चल नहीं रही है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों पेन काम नहीं कर रही है, तो आप कहेंगे नाइदर पेन इज वर्किंग। तो ये इस प्रकार हम नाइदर का उपयोग दो में से कोई भी नहीं के संदर्भ में भी कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में आइदर और नाइदर वाले सेंटेंस बनाकर जरूर लिखना। वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।